आज 18 दिसंबर 2021 को हम आपको एक ये टैंक है, मछली का टैंक आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मछलियाँ दौड़ते हुए देखिए। तो इसी तरह सर्दियों में यहाँ पर हम मछलियाँ पालते हैं। उसके बाद आपको सर्दियों में एक नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। खुबानी देखिए, पका हुआ है, बिल्कुल ज़मीन पे गिरा हुआ। तो इसी तरह ये हमारा गुलाब देखो अब खिला हुआ। तो इंसान करने से क्या नहीं होता, देखो कुल बिल ये टैंक है जो अमूमन जो आप बाहर से देख रहे हैं, ये टैंक इसके अंदर मछलियाँ रहते हैं। तो यहाँ पर पानी दस्तियाब है सर्दियों में। तो इसी तरह मैं आपको अंदर किचन की तरफ ले चलते हैं। तो ये किचन जहाँ पर सर्दियों में फूल को तहफूज से रखा जाते हैं। तो आप लोगों ने पहले भी बार बार देखा होगा कि ये जगह जहाँ पर मेहमान आते हैं, तो हर कोई छोटा बड़ा मेहमान यहाँ आने के बाद बिल्कुल खुश हो जाते हैं। तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में आप देखें, ये जैतून का पेड़, तो ये आपका नींबू, संतरा कहो नींबू, और इसी तरह ये चकोतरा, और यहाँ फूल खिलते हुए। तो आगे मैं ले जा रहा हूँ, आज हम आपको ग्राफ्टिंग यानी कलम के बारे में बता दूंगा। ये देखो ये एक फूल, ये देखिए इस वक्त बिल्कुल हरा भरा फूल खिला हुआ है चारों तरफ। तो ये माइनस इस वक्त 20-25 होगा शायद मेरे ख्याल में बाहर। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज हम आपको ग्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये देखिए ये संतरा लगा हुआ है, किनू लगा हुआ है। तो इसी तरह ये जो जापानी फल है इसका पत्ता निकला हुआ है। तो अभी मैं आप ये कीवी फ्रूट, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा तफसील आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं अभी आपके सामने आ रहा हूँ। तो मैं जब भी वीडियो बनाता है तो कट फट नहीं करते हैं, एडिटिंग नहीं करते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। तो कभी मैं किसी को शेयर करो ये करो वो भी नहीं कहते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कहते हैं जब आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप शेयर नहीं करेंगे। दूसरा, एडिटिंग इसलिए नहीं करते, मेरे बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत गलतियाँ आ जाते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले दिया था कि मैंने ख्वाब देखा, उसमें बहुत सारा गलतियाँ हुआ था। जैसे कि मैंने कहा था कि स्कर्दो का जो घर है, महल है, वो आज आबाद है, खपुलू शिगर के घर आज आबाद नहीं है। तो लेकिन वो फोर्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से आबाद है, मैं खुद जा के देख के आया खपुलू का भी और शिगर का भी हर जगह में। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसमें काविस नहीं है अपना मालिक है। तो शायद जहाँ तक मेरे अंदाज़े में उन मालिकों ने शायद अपना ज़माने में थोड़ा ज़्यादती किया होगा, इसलिए कि इनके ख़ानदान को ये महल में राजा बन के रहना नसीब में नहीं आया, गलती उन पुराना बुज़ुर्गों ने किया था। तो मैं उस तरह कहने जा रहा था लेकिन थोड़ा गलती हो गया, मैंने कहा कि उस घर का नाम निशाना नहीं है, क्योंकि घर का नाम निशाना है, घर तो बड़ा टॉप का आज जैसे पहले था वैसा है, लेकिन इनका ख़ानदान का काबिस नहीं है। ख़ानदान सुनने में आते हैं कि ये फलाना फलान को दे दिया या आगा खान को दे दिया या जैसे भी है, मतलब इनका कब्ज़े में नहीं है, आज वो डट के अपने महल में नहीं है, यही कहना चाह रहा था, लेकिन हुआ कुछ और। तो मैंने सोचा, कई बार सोचा मैंने इसको काटूं एडिटिंग करूं, मैंने नहीं इस ज़बान ने जो गलती किया तो किया, दुनिया के सामने दिखाओ। तो मेरा अपना उसूल है, आप लोग माफ़ कीजिए, जो मेरे दिल से जो निकालते हैं तो उस बात को आपको सामने आते हैं तो मैं उसको एडिटिंग नहीं करते हैं। तो मैं इसलिए नहीं करते हैं, जब इंसान गलती करता है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है तो दुनिया गलती करते जाते हैं। तो इसलिए तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं बस वीडियो बनाने के मकसद ही यही था। एक तो आज दिसंबर 2021 में यहाँ पर हरियाली, आखिरी बॉर्डर, आखिरी सरहद पे, तो बेशतर लोग आप सब जानते हैं कि आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मेरे घर पे आया होगा। तो आप सब से मेरा अपील है
कि इस जीरो पॉइंट पे इस एक गरीब, आपको कितना सौ बार कहा होगा, एक लवारिस समझ लो, माँ बाप से बिछड़ कर तर तनहा एक लड़का आज इस जीरो पॉइंट पे 12 महीना हरियाली और 100 से ज़्यादा वेराइटीज के फ्रूट्स और पता नहीं सैकड़ों के तादाद में फूल लगा सकता है और मेहनत कर सकता है। हम गरीब और गरीबों को खिदमत करने के लिए हम सोच सकता है, हो सकता है हम कभी मदद भी करता हो, मदद कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यही मेरे दिल में एक तमन्ना रहते हैं कि जैसे मैं करते हैं वैसे आप भी क्यों नहीं करता। दूसरा, लोग अक्सर लोग शायद मेरे ख्याल में यही सोचता होगा, यार गोवाली बार बार अपना चीज़ें दिखाता है, ये है वो है, इसमें इंसान में एक फितूर आ जाते हैं। लेकिन तो मेरा मकसद ये है कि आप लोग समझ जाए, यार ये आदमी ऐसा करता है तो हम क्यों ना करें। तो इसी सिलसिले में मैं आपको इस वक्त में क्या कर रहे हैं आपको मैं दिखाऊंगा, इस वक्त में क्या क्या काम कर रहे हैं। सर्दियों को मौसम में माइनस टेम्परेचर शायद 20-25 टेम्परेचर बाहर होगा, उस मौसम में आज के डेट में मैं क्या कर रहे हैं, आज के डेट में मैं कटिंग कर रहा हूँ, ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। सर्दियों में भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं आपको दिखाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, तो ये आपको मैं दिखाते हैं, देखिए ये शहतूत का कटिंग है, देखो यहाँ मैंने जमा कर रखा है। ये देखो ये खेत अभी मैं इसको बना रहा हूँ सर्दियों में। ये अखरोट का नर्सरी है, इसको मैं गमलों में डालना है। ये आप देखो गुलाब का है, देखो इस तरीके से अब मैंने बना रखा है, कुछ दिनों में हमने डालना है। तो इसी तरह आप देखिए ये जो खाद इधर जमा किया है इसको मिट्टी के साथ मिलाना है। तो इसी तरह देखिए ये सारे जो फूल आप देख ही रहे हैं, तो इस तरीके से अब मैं वेराइटीज के बारे में, चीज़ों के बारे में मैं आपको ना बता दूं, क्योंकि इसलिए कि आप सबको कई बार मैं वीडियो में डालते रहते हैं तो शायद आप लोग बोर भी होता होगा। तो दूसरा देखो ये अब तो एक प्रॉब्लम ही आता है, क्योंकि ये सारे चीज़ें हमारे इलाके में आने वाली चीज़ नहीं है, तो इनका नाम आना मुझे मुश्किल हो जाते हैं। ये क्या कहते हैं, अब मुझे नाम नहीं आया। देखो इस तरीके से ये फूलें, हर किस्म का फूल, इनको हम सेफ जो रखने वाली चीज़ है, जो सर्दी से बचाने वाली चीज़ें को हम ग्रीन हाउस के अंदर रखते हैं, और उसके बाद अगले साल फिर इसको रिसर्च करते हैं। करने के बाद 2-3 तरीके से रखते हैं, एक को हम चिकनी मिट्टी में रखते हैं, एक उसी पेड़ को, एक पेड़ चिकनी मिट्टी में रखा, एक पेड़ आपका रेत में रखा, और एक आपका पथरीला जगह पर रखा। तो हम उस पर रिसर्च करते हैं कौन सा पेड़ को कौन सा मिट्टी की ज़रूरत है, और कौन सा पेड़ को कौन सा पानी की ज़रूरत है। कि कोई पेड़ ऐसा होते हैं जिसको पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, कोई पेड़ ऐसा होते हैं जिसको पानी कम ज़रूरत पड़ता है। तो एक साइंटिस्ट हमें तजर्बा कराते सिखाते हैं, संभाल हो उसका ट्रेनिंग दिल्ली में किया हो, उसका ट्रेनिंग तो आपको बम्बई में किया है, उसने ट्रेनिंग लिया है, तो -20-25 टेम्परेचर पे जो लद्दाख है, तो वहाँ पर जो +20-25-50 टेम्परेचर वाला जो साइंटिस्ट है, यहाँ पर माइनस टेम्परेचर में क्या रिसर्च करेगी। तो हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोग लद्दाख के लिए रिसर्च करें, लद्दाख के लोग लद्दाख के लिए सोचें। तो हमारा लद्दाख में आज माशाल्लाह 100 से ज़्यादा मेरे हिसाब से साइंटिस्ट आया है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लेकिन मेरे हिसाब से सब थ्योरी हुआ है। तो आज मैंने नहीं सुना कि किसी साइंटिस्ट ने इस पर इतना रिसर्च करके इस पेड़ पर ये हुआ है, ये फलाना ये चीज़ें हमारे लद्दाख में पैदा किया है। तो इस तरीके से बस सिर्फ मैं आंचुक सिगमल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो थोड़ा बहुत अपना लद्दाख के लिए सोचता है, अपना लद्दाख के लिए जब से इन्होंने होश संभाला वो अपने लिए कभी नहीं सोचा, सिर्फ लद्दाख के लिए सोचा। तो ऐसे चीज़ों लोगों का साथ देना हम और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा कहावत होता है घर का मुर्गी दाल बराबर, तो अपने जो लोग ज़मीन पर कोशिश करते हैं, अपने लोग अपना लद्दाख को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को साथ नहीं मिलता है। तो यही मैं कहता हूँ, जैसे कि मैं अपनी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से मैं इस लद्दाख को जन्नत बनाना चाहता हूँ, क्योंकि लद्दाख में ज़मीन है रकबा के लिहाज से जिनके से भी बहुत बड़ा, पानी हर नाला नदी नियामत रखा हुआ है,
और क्षमता देखो लता खरतौला जैसा जुजला जैसों में 40-40, 50-50 किलो लेके सर्दियों में आर पार होता था, तो इतना क्षमता रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस क्षमता को, इस चीज़ को ज़ाय करेंगे तो कल अगले जन्म में ऊपर वाला हम और आपसे ज़रूर पूछेंगे, हमने आपको ये ताकत दिया था, हमने आपको इतना पानी दिया था, इतना ज़मीन दिया था, आपने क्या किया। तो मैं समझता हूँ पूरा लद्दाख और पूरा देशवासियों को, लोग कहते हैं कि हम देश की सेवा करते हैं, भारत माता की जय बोलने से मोहब्बत वाला नहीं बनता, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से हिंदुस्तान का मोहब्बत, हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत नहीं रहता। काम करके दिखाओ, देश के साथ काम करना है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देशवासी अपना देश के साथ मोहब्बत रखते हो तो फिर देश को कुछ करके दिखाओ। लेकिन बदकिस्मत करता कोई नहीं, बस भारत माता की जय, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, फलान, इस नारों से मेरे हिसाब से नहीं बनता। तो आज मैं खैर नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग इस देश के लिए काम कर भी रहा है, लेकिन उनका साथ दे दो। अगर साथ नहीं दे सका तो कम से कम अच्छे काम को अच्छा काम तो बताओ। तो मैं अपनी बात करते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ लास्ट बॉर्डर पे कुछ सोचते हैं, तो ना सरकार, ना लोग, ना आम, ना खास, हाँ बढ़िया 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 कहते हैं, लेकिन कभी किसी ने, यार इन्होंने इतना काम कर रहे हैं तो हम इससे क्या कमी है, हम इससे बढ़ के काम करूँगा, इससे बढ़ के काम करके दिखाऊँगा, ये नहीं, कोई नहीं कहता। तो मैं अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि लद्दाख हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, या जो भी हो, हर कोई अपना देश, अपना इलाके के लिए सोचना है तो इसी ज़मीन पर। लोग कहते हैं मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं फलान इंजीनियर हूँ, मैं फिस्ताना हूँ, मैंने नहीं सुना कि कंप्यूटर खाने के लिए देता है, इसी ज़मीन से ही खाना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि हर कोई, हर इंसान इस ज़मीन के लिए अगर सोचा तो समझ लो जिसने अपना देश के लिए सोचा, जिस ज़मीन पे मेहनत नहीं किया तो समझ लो उसने अपने देश के लिए कुछ नहीं सोचा, चाहे जितना नारा लगाओ, जितना कुछ भी करो। तो मैं एक चीज़ में फिर भी, मुझे कहते हैं हर वीडियो में मुझे कहने पे मजबूर हो जाते हैं, तो जैसे कि चुलुंगा गांव सन 1971 के जंग में पाकिस्तान चला गया, घर बार छोड़ के जाने के बाद वो पाकिस्तान स्कर्दों में बसने लगा। आज मैंने वीडियो में दे रखा है, आज आप यूट्यूब में जाके गोवाली सर्च करो तो उसमें आपको देखने को मिलेगा स्कर्दो शेरथा वगैरह में चुलुंगा वालों ने क्या तरक्की किया है। स्कर्दो में एक इलेक्शन हुआ 2014 में, तो पूरा स्कर्दो में चुलुंगा का ही चर्चा था, बस चुलुंगा जहाँ जाए वहाँ जीत जाता था। तो आप बताओ एक स्कर्दो में चुलुंगा का बोला वाला क्यों था, कि इन्होंने मेहनत किया है ज़मीन पे। हर घर में एक बड़ा गार्डन के अलावा इनके घर कोई बगैर गार्डन का हमने स्कर्दो और मंडाल शेरथाओं में कभी नहीं देखा। तो मैंने जो कुछ सीख आया, मैं समझता हूँ आज मेरा गुरु है तो स्कर्दो मंडाल चुलुंगा वाले मेरे गुरु समझते हैं। तो इसी तरह जब कोई आदमी बड़ा है, कोई लोग कहते हैं कि हाँ मेरा पापा राजा था, मैं राजा था, मेरा ख़ानदान बड़ा ख़ानदान का, मैं नहीं मानता हूँ कि बड़ा ख़ानदान का था, बड़ा राजा का था। राजा मैं उसको कहता हूँ, हाँ मेरे वालिद साहब लेबर का काम करते थे, लेकिन आज मैं मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे पीछे 10 लेबर काम कर रहे हैं, मेरे पीछे 20 लेबर में रोज़गार दे रखा है, मैं समझता हूँ वो राजा है, वो बड़ा आदमी है। तो आप सबको मैं हर वक्त अपील करते हैं कि बड़े का नाम लेकर कहीं नहीं पहुँचता, काम करने से पहुँचते हैं। तो फिर मुझे याद आते हैं जैसे कि मोदी जी, आप सब कहते हैं चाय वाला, चाय वाला, मैं तो मेरे समझ में बस आप लोगों को कहने पे मैं सुन चाय वाला, तो क्या मर्द के बच्चा आज चाय वाला सबसे गरीब होता है। आज चाय वाले ने पूरा दुनिया में अपना लोहा मनवाया, तो मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों का। तो आखिर में तो मेरे दिल के अंदर ना जात पात, ना मजहब, ना कंट्री, कंट्री की बात करते हैं, हाँ ये हमारा ईमान है।
अगर आप पाकिस्तान का है तो अपना पाकिस्तान के साथ वफादार रहो। मैं आज हिंदुस्तान का हूँ, मैं अपने देश के साथ वफादार रहो, वफादारी से काम करो। वफादारी उससे कहते हैं कि जिस देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस काम पे हाथ बटा के देश को आगे ले जाने के लिए सोचो। एक चाय वाला देश सोच सकते हैं तो क्या हम और आप भी सोच सकते हैं? तो किसी के ऊपर मत रखो। तो मैं कहते हैं दुनिया में अगर कोई धर्म है, कोई मजहब है, तो सिर्फ इंसानियत अखलाकियत एक बहुत बड़ा मजहब है। दुनिया में कोई मजहब नहीं कहते इंसानियत अखलाकियत के खिलाफ, लेकिन मुसलमान अपने तरीके से इबादत करवाते हैं, ईसाई अपने तरीके से इबादत करवाते हैं, हर कोई मजहब अपने तरीके से इबादत करवाते हैं, लेकिन तरीका अलग है। इबादत सिर्फ ऊपर वाले के करते हैं। हर कोई कहते हैं सच्चा रास्ता दिखाओ, हर कोई कहते हैं किसी के ऊपर जुल्म मत करो, हर कोई कहते हैं किसी गरीब का खदमत करो। ये और हम और आपके लिए इंसानियत धर्म पे अमल करने के लिए हम सब कोशा रहें। तो अभी मैं ज़्यादा ना कहूँगा, किसी जगह पे किसी दिन फिर हम आपका साथ, अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर हम आपको साथ मुलाकात होंगे। आज इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।